गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी तक देखिए हमने ओआर के अंदर क्या किया था। ओआर के लेक्चर वन में हमने बेसिक डेफिनेशन देखे थे, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मॉडल्स। सेकंड के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव एंड यूजेस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल और रिमेनिंग डेफिनेशंस पर बात की थी। थर्ड वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट मॉडल किया था अपना, जिसका नाम था ईओक्यू मॉडल विद यूनिफॉर्म डिमांड। ठीक है, बहुत इजी था वो मॉडल। इसके बाद अब हम आज की वीडियो के अंदर थर्ड वीडियो में जो हमने मॉडल किया था उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, एन एंटरप्राइज रिक्वायर्स 1000 यूनिट्स पर मंथ, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी ₹50 पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ₹50, और ये 1000 यूनिट्स क्या है? मंथली डिमांड, क्योंकि पर मंथ लिख रखा है। ठीक है, इन एडिशन टू ₹1, द कैरिंग कॉस्ट आर 5% पर यूनिट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर। कैरिंग कॉस्ट के लिए वो क्या बोल रहे हैं हमारे पास? एक तो ₹1 तो है ही, ₹1 प्लस 5% हमने ऐड करना है एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर का भी, कैरिंग कॉस्ट को निकालने के लिए। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर और क्या दिया हुआ है, परचेज प्राइस इज ₹20, परचेज प्राइस की वैल्यू 20 है पर यूनिट, इकोनॉमिक लोड साइज और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ही बात होती है, कितनी आएगी वो निकालनी है और टोटल मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले तो लिखेंगे हमारे पास गिवन क्या क्या है। सबसे पहले देखिए 1000 यूनिट्स पर मंथ, ये क्या है? मंथली डिमांड है। तो टोटल हमारे पास ईयर की डिमांड निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पर ईयर है, एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर है, तो पूरी डिमांड निकालने के लिए पर ईयर की 1000 को जितने मंथ्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 12000 यूनिट्स पर ईयर। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ था, ₹50 पर ऑर्डर। क्या थी? ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम सी नॉट से लिखते हैं या फिर सी ओ से, एक ही बात है, कुछ भी बोल लें, तो ₹50। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, परचेज प्राइस 20। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट को एक बार देखते हैं, पहले परचेज प्राइस सीधी दी हुई है वो देख लेते हैं। सी हमारे पास ₹20 दी हुई है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पास, हमें निकालने कैरिंग कॉस्ट, यानी कि सी एच, होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं इसलिए इसको सी एच से डिनोट करते हैं। सी एच निकालने के लिए क्या करना है, एक तो ₹1 को ऐड करना है प्लस 5% ऑफ पर यूनिट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर का 5% पर यूनिट के अंदर ऐड भी करना है हमें, यानी कि 5% ऑफ 20। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर पर यूनिट गिवन है 20 है, क्योंकि अगली लाइन में साफ साफ दिया हुआ है परचेज प्राइस 20 है पर यूनिट का, और पर यूनिट का जो प्राइस है उसका 5% कैरिंग कॉस्ट लग रहा है, तो 5% ऑफ 20 कैंसिल आउट किया, 5 से 5 कैंसिल, तो ₹2 आ गई हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट। अब हमारे पास जो मेन काम था वो हम कर चुके हैं, सिर्फ हमें फॉर्मूलाज के अंदर पुट करना है। हमें पता है हमारे पास इकोनॉमिक लोड साइज मॉडल से हमने निकाला था इकोनॉमिक लोड साइज, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू क्या थी, क्यू स्टार की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2D सी नॉट बाय में सी एच। देखिए क्यू स्टार की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट ऑफ 2D सी नॉट अपॉन में सी एच। ठीक है, इसके अंदर जो जो हमारे पास वैल्यूज आई है वो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2 एज इट इज़ डिमांड की वैल्यू 12000 इंटू में सी नॉट की वैल्यू 50 अपॉन में सी एच इज 2 कैंसिल आउट, अंडर रूट के अंदर आ गया 6 लैक्स का रूट को सॉल्व करके अगर हम वैल्यू लिखें तो हमारे पास आएगी 774.6 समथिंग। ठीक है, तो इसको हम एग्जैक्ट अगर यूनिट्स में लिखना है, क्योंकि हम हाफ यूनिट को तो देखिए प्रोड्यूस कर नहीं सकते, पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा था इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ करके 775 कर दिया। अब देखिए
इस क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल मिनिमम कॉस्ट भी निकालनी है। टोटल मिनिमम कॉस्ट को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, टीसी प्लस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालने के लिए हमें क्या करना है, पर यूनिट का प्राइस इनटू में टोटल डिमांड, यानी कि 12,000 इनटू 20 कर देंगे हम। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या निकालना था, टोटल मिनिमम कॉस्ट, इसलिए हमने उसका फॉर्मूला लिखा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए टीसी की वैल्यू क्या आएगी। हमने कल मॉडल के अंदर ऑलरेडी निकाल दिया 2DC0CH प्लस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल सिंपली 12,000 इंटू 20। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे आई। अब इसके अंदर हमें सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। डी की वैल्यू कितनी है हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखिए डी की वैल्यू आई थी हमारे पास 12,000। सी नॉट की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 20 इंटू में सी एच की वैल्यू आई थी रुपीज़ 2 प्लस में 24, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इस अंडर रूट को सॉल्व करके हमारे पास देखिए वैल्यू क्या आएगी। सॉरी, यहाँ पे हमने जो देखिए सी नॉट की वैल्यू जो निकाली थी वो 50 थी और मैंने गलती से सी की वैल्यू लिख दी, तो यहाँ पर 50 आएगा, 20 नहीं आएगा। ठीक है, तो 100 24,000 × 100। ठीक है, अब तो हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। 2020 बाहर तो 100 बाहर, अंडर रूट ऑफ 240 प्लस में 24,000। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास अंडर रूट 240 क्या होते हैं, 15.5 समथिंग इंटू में 100 प्लस में 2,40,000, जिसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, रुपीज़ 241,550। देखिए ठीक है, तो हमारे पास टोटल मिनिमम कॉस्ट आ गई 241,550। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एक्स वाई जेड कंपनी यूजेस 12,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एनुअली विच कॉस्ट रुपीज़ 1.25 पर यूनिट। देखिए हम साथ के साथ नोट कर लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। 12,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एनुअली एक्स वाई जेड कंपनी यूज़ करती है, यानी कि उसकी एनुअल डिमांड कितनी है, 12,000, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पर ईयर किया है इसीलिए हमने इनटू 12 नहीं किया, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर तो मंथली दी हुई थी इसीलिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, विच कॉस्ट रुपीज़ 1.25 पर यूनिट। वॉट इज़ 1.25, सी। ठीक है, प्लेसिंग ईच ऑर्डर कॉस्ट रुपीज़ 15 एंड कैरिंग कॉस्ट आर 15% पर ईयर पर यूनिट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। सबसे पहले सीधा सीधा दिया हुआ है प्लेसिंग ईच ऑर्डर कॉस्ट रुपीज़ 15, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास आ गई रुपीज़ 15 एंड कैरिंग कॉस्ट आर 15% पर ईयर पर यूनिट, यानी कि सी एच निकालने के लिए हमें 15/100 करना है। किसका, पर यूनिट का जितना प्राइस है, पर यूनिट का प्राइस कितना है, 1.25, तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 15 × 1.25/10,000। ठीक है, यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 1,875/10,000। कैलकुलेट करके निकाला मैंने, 0.1875 आ गई सी एच। अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड ई ओ क्यू। इकोनॉमिक लोड साइज़ और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दोनों ही सेम थिंग है, तो ई ओ क्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ई ओ क्यू का, यानी कि क्यू स्टार का, मॉडल की हेल्प से हमने, वैसे तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके हमें ये फॉर्मूलाज टिप्स पर याद हो जाएंगे, अगर नहीं याद होते तो मॉडल की हेल्प से तो हम इसे निकाल ही सकते हैं। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 × 12,000 × C0 की वैल्यू क्या है, 15, और सी एच की वैल्यू है 0.1875। ठीक है, ऊपर से देखिए हमारे पास 30 × 12 24,
क्या आ गया 36,000, ठीक है। नीचे आ गया अंडर रूट ऑफ 0.171875। सिंपली कैलकुलेशन से ही आप भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ नया नहीं है। सॉल्व करके हमारे पास जो इसको वैल्यू आएगी, देखिए 600 ऊपर, नीचे अंडर रूट को सॉल्व करके 0.433। आप यही कोशिश रखें, आप स्टेटमेंट एक एग्जांपल अच्छे से प्रूफ देख के उसके बाद खुद ट्राई करके देखें और उसके बाद उसका इसके अंदर सॉल्यूशन देखें। देखिए 600 अपॉन 0.433 को हमारे पास सॉल्व करके क्या आया 1384.7, क्योंकि हमें राउंड ऑफ करना है तो हम ये लिख देंगे 1385 यूनिट्स। यूनिट्स हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू में आएंगी। देखिए आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर टॉपिक आएगा नेक्स्ट मॉडल, डेट इज़ EOQ मॉडल विद डिफरेंट रेट ऑफ डिमांड। तो आज यहीं तक, हैव अ नाइस डे।